आज हम चैप्टर नंबर 7 के सेकंड पार्ट में सेक्शन फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला मतलब कि ये आपका एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, इसको कोई पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जब डिवाइड कर रहा है तो एक सेक्शन ये बना और एक सेक्शन आपके पास ये बना, तो ये एक रेशो में डिवाइड हो गया। जैसे मान लो ये एम1 है और ये एम2 है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करने हैं तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट x1 और इसके y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट सिर के दीवन है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करने हैं तो उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें इस सेक्शन फॉर्मूले को यूज में लेना है, जिसमें x की वैल्यू यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या लेके चले हम लेट करके कि लेट इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई है, तब आपके पास x इक्वल क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूला है, लेकिन अगर यही P पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट को ए एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट है, बी एक्स टू वाई टू कोऑर्डिनेट है, इसको P पॉइंट क्या कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हमने क्या कर रखे लेट करके। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेशो एम वन रेशो एम टू है और हमें ये गिवन है कि m1 इज इक्वल टू m2, क्यों, क्योंकि p क्या है मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये 1 रेशो 1 हो गया, कोई सा भी रेशो लेकिन 1 रेशो 1 हो गया। तो अगर हम इसमें 1 1 पुट करें किसकी जगह m1 और m1 m2 की जगह, तो देखो यहां 1 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल x2, यहां 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1, और यहां 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो यहां पर आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, और यहां भी आप क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो। तो फिर मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या हो जाएगा x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2, क्यों, क्योंकि m1 इक्वल है m2 के, m1 इक्वल m2 का मतलब हो गया कि आपको जो रेशो है वो रेशो 1 रेशो 1 है, चाहे कुछ भी वैल्यू हो। जैसे मान लो 4 आ रहा है m1 m2 4 है, तो इसको हम 4 रेशो 4, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 रेशो 1, ठीक है। तो मिड पॉइंट जब होगा तब आपको ये फार्मूला यूज में लेना है, और अगर सेक्शन फार्मूला से उस पॉइंट किसी रेशो में उसको डिवाइड कर रहा है, कोई भी रेशो हमें गिवन है अगर उस रेशो में उसको डिवाइड कर रहा है तो आपको ये सेक्शन फार्मूला यूज में लेना है, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज 7.2 में काम है। अब हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स इन द रेशो 2:3, यानी ये हमारे पास पॉइंट गिवन है ए एंड बी, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं माइनस वन एंड सेवन, और बी के कोऑर्डिनेट है 4-3, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहां पर इसको पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे एक्स एंड वाई लेट करेंगे, ठीक है, ये इसको 2:3 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, यानी एम वन रेशो एम टू इजिकल टू आपको गिवन है 2:3। ये फर्स्ट ए पॉइंट है तो ये हो गया एक्स वन वाई वन, सेकेंड पॉइंट है ये हो गया आपके पास एक्स टू y2, आप किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। ये m1 m2 यानी m1 आपके पास 2 हो गया और m2 आपके पास 3 हो गया। अब p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, सबसे पहले x का निकालेंगे, x का फार्मूला क्या है m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, तो x is equal to m1 2 है, x2 कितना है 4 plus m2 3, x1 कितना है -1 अपॉन 2+3, यानी ये आपके पास हो गया 8+-3/5, यानी 5/5
इज इक्वल टू वन, ये आपके पास एक्स आ गया। अब वाई का निकालते तो वाई का फॉर्मूला वही एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो वाई इज इक्वल टू एम वन टू वाई टू, आपके पास क्या है माइनस थ्री प्लस थ्री वाई वन, आपके पास क्या है सेवन अपॉन टू प्लस थ्री, तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी वन अपॉन फाइव यानी फिफ्टीन अपॉन फाइव इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास थ्री आ गई, x की वैल्यू आपके पास वन आ गई, इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट क्या है वन एंड थ्री। ये आपका क्या हो गया इस फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसमें इस पॉइंट के जो पॉइंट इसको टू रेशो थ्री में डिवाइड कर रहा है उसके आंसर आपके पास क्या है कोऑर्डिनेट क्या है वन एंड थ्री। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है थ्री इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्शन का मतलब आपके पास हो गया थ्री इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जैसे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, इसको पी और क्यू ये थ्री इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं फोर माइनस वन, और बी के पॉइंट है आपके पास माइनस टू माइनस थ्री। हमें पी और क्यू के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब लेट कर देंगे, लेट पी के पॉइंट्स क्या है एक्स वाई। ठीक है, अब पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास रेशो होना चाहिए, तो हम पहले रेशो फाइंड करेंगे, रेशो फॉर पॉइंट पी। अब पी यहां पर है, देखो यहां से यहां तक हम वन रेशो में है, और पी से बी तक अगर हम जाते हैं तो वन और टू पार्ट है, इसका मतलब इसका रेशो हो गया वन रेशो टू, यानी एम वन रेशो एम टू इज इक्वल टू आपको दे रखा है वन रेशो टू। ये आपके पास वही है एक्स वन वाई वन और ये है एक्स टू वाई टू। पहले हम पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स टू, तो एम वन आपके पास क्या है वन, एक्स टू क्या है माइनस टू, प्लस एम टू एक्स वन, एम टू है टू और एक्स टू क्या है फोर अपॉन वन प्लस टू, तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया माइनस टू प्लस फोर और प्लस एट अपॉन टू यानी सिक्स अपॉन टू, ये कितना आ गया आपके पास थ्री। अब नाउ वाई के कोऑर्डिनेट एम वन वन वाई टू माइनस थ्री प्लस एम टू टू एक्स वाई वन माइनस वन अपॉन एम वन प्लस एम टू यानी वन प्लस टू, तो वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस थ्री माइनस टू अपॉन थ्री, तो y की वैल्यू आ गई माइनस फाइव अपॉन थ्री। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक आपके पास थ्री आ गया, एक आपके पास माइनस फाइव अपॉन थ्री आ गया, ये आपके पास हो गए p के कोऑर्डिनेट। अब आपको निकालने q के कोऑर्डिनेट, तो लेट करो कि लेट q के कोऑर्डिनेट क्या है, हम a एंड b ले लेते हैं, और इसके लिए भी रेशो रेशो फॉर पॉइंट क्यू। ठीक है, अब क्यू देखो पी से टू स्टेप पर है वन टू, तो इसका हो गया टू रेशो, क्यू से वन पॉइंट पे है तो वन, तो यानी एम वन रेशो एम टू इजिकल टू हो गया टू रेशो वन। ये आपके पास हो गया किसका क्यू पॉइंट के लिए रेशो। अब वही निकालिए, पहले ए निकालना है, ए इजिकल टू एम वन एक्स टू, तो एम वन टू है एक्स टू है माइनस टू प्लस वन और ये है फोर अपॉन टू प्लस वन, तो ए इजिकल टू हो गया माइनस फोर प्लस फोर अपॉन थ्री यानी जीरो अपॉन थ्री इजिकल टू क्या आ गया आपके पास जीरो आ गया। बी निकालते हैं तो बी का मतलब वाई, यानी एम वन टू वाई टू माइनस थ्री प्लस वन और ये है माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, तो b इज इक्वल टू हो गया माइनस सिक्स माइनस वन अपॉन थ्री
इज इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन थ्री। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए, एक्स क्या आया जीरो, ये आया माइनस सेवन अपॉन थ्री, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो फोर सेक्शन दे दिए जाए तो फोर इक्वल पार्ट, उसका भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। जितने भी आपके पास सेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, वो सारे सेक्शन आपके पास क्या, वो इक्वल हो गया। अगर सेक्शन दे रखा है, जैसे फोर इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं, फाइव इक्वल पार्ट्स, तो आपको जिस पॉइंट का लेना है उस पॉइंट को ये देखना है। जैसे हमने पी पॉइंट का रेशो लिया, तो ये देखना है ए से कितनी सेक्शन पर है और बी से कितने, ए से वन सेक्शन था इसका और बी से वन टू सेक्शन हो गया, तो इसका वन रेशो टू हो गया। क्यू का लिया तो ये उल्टा हो गया, क्योंकि क्यू ए से यहाँ तक वन टू पार्ट में आ रहा है और ये यहाँ तक वन पार्ट में आ रहा है, तो इसका टू रेशो वन हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, आपके पास फिगर बना हुआ है, आप फिगर से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या है, फाइंड द रेशो, हमें रेशो फाइंड करना है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट है ए बी और ये पी पॉइंट पे ज्वाइनिंग हो रहा है, माइनस थ्री एंड टेन एक के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और सिक्स और माइनस एट बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एंड डिवाइड बाय माइनस वन एंड सिक्स, यानी पी के कोऑर्डिनेट दे रखे माइनस वन एंड सिक्स, हमें एम वन और एम टू क्या करना है, फाइंड करना है। तो लेट कर लेंगे कि लेट द रेशो बी एम वन रेशो एम टू। ठीक है, ये आपका हो गया x1 y1, ये आपका xy है और ये x2 y2। ठीक, अब हमें x और y दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो हमें कोई एक फार्मूला यूज में लेना है, या तो y का ले लो या x का ले लो। अगर हम x का लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या है, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। तो x क्या है माइनस वन, एम वन पता नहीं है, x2 क्या है सिक्स प्लस m2 भी पता नहीं है, x1 क्या है माइनस थ्री अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस वन से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस m1 माइनस m2 इक्वल, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स एम वन माइनस थ्री एम टू। अब आपको M2 एक तरफ करना है और M1 एक तरफ करना है, तो ये माइनस M1, ये 6M1 है, ये भी माइनस के हो गए, माइनस 3M2 ये प्लस का हो गया, ये दोनों ऐड हो गए क्योंकि सेम साइन है, तो माइनस 7M1, ये दोनों माइनस हो गए तो माइनस 2M2, माइनस कैंसिल हो गया, अब हो गया ये M1 अपॉन M2। ठीक है, फ्रैक्शन में ले लेंगे इसको, तो ये 2 अपॉन सेवन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वापस यही आना चाहिए, तो एम वन रेशो एम टू आपके पास क्या गया, टू रेशो सेवन। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशो, इसमें भी रेशो ही फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ए एंड बी, ये लाइन सेगमेंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे वन एंड माइनस फाइव, बी इसके कोऑर्डिनेट आपके पास है माइनस फोर एंड फाइव, इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे पी पॉइंट पे। एक्स एक्सिस का डिवाइड होने का मतलब हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट तो एक्स है और y का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, और इसका हमें रेशो फाइंड करना है, तो m1 रेशो m2 ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट की लेट p के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x0 है। ठीक है, एंड रेशो इज m1 रेशो m2। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पर वैल्यू गिवन है किसकी, y की, तो हमें y वाला फार्मूला यूज में लेना है, यानी y इज इक्वल टू क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस
एम टू। अब वाई की वैल्यू क्या है, जीरो यहां पर एम वन। एक्स टू की वैल्यू क्या है, माइनस फोर, सॉरी वाई का ले रहे हैं तो वाई टू और वाई वन, तो वाई टू की वैल्यू क्या है फाइव प्लस एम टू, वाई वन की वैल्यू क्या है माइनस फाइव अपॉन एम वन प्लस एम टू। अपॉन वन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, तो ये बचा आपके पास, ये क्या है फाइव एम वन माइनस फाइव एम टू इज इक्वल टू जीरो और फाइव एम वन इज इक्वल टू फाइव एम टू, तो एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास फाइव अपॉन फाइव, यानी एम वन रेशो एम टू इज इक्वल टू हो गया वन रेशो वन, ये आपके पास रेशो आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो वाई तो फाइंड है, एक्स फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू क्या है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या वन एक्स टू माइनस फोर प्लस एम टू वन, एक्स वन क्या है वन अपॉन वन प्लस वन, तो ये हो गया माइनस फोर प्लस वन अपॉन टू, यानी माइनस थ्री अपॉन टू, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया, एक्स का है माइनस थ्री अपॉन टू और वाई का आपके पास है जीरो, तो ये आपके पास अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स रहेगा और वाई जीरो रहेगा, अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स जीरो रहेगा और वाई वाई का वाई रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके पास है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इफ पॉइंट्स आर द वर्टिक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट है वन टू, बी के कोऑर्डिनेट है फोर वाई, सी के कोऑर्डिनेट है एक्स सिक्स और डी के कोऑर्डिनेट है थ्री एंड फाइव, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करने है, तो देखो पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर ओ पॉइंट पर, ठीक है, ये हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब अगर ये बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब ये जो ओके कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो ओके कोऑर्डिनेट चाहे आप एसी से लो और चाहे आप बीडी से लो इक्वल होंगे, तो ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, इसका मतलब हो गया मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ठीक है। अब मिड पॉइंट का क्या फार्मूला था, मिड पॉइंट का फार्मूला यानी एक्स वन प्लस एक्स टू, तो पहले एसी का लेते हैं, देखो एक्स वन वन है एक्स टू एक्स है, तो वन प्लस एक्स अपॉन टू, फिर वाई वन प्लस वाई टू यानी टू प्लस सिक्स अपॉन टू। अब बी डी का लेते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू यानी थ्री प्लस फोर अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू यानी फाइव प्लस वाई अपॉन टू, ठीक है। अब ये x का कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y का कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट के इक्वल है, कंपेयर करेंगे तो ये 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है 7 अपॉन 2, ऐसे ही 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है 5 प्लस y अपॉन 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू आ गया 6, ये 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y,
तो वाई इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 6। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ठीक है। क्यों, उसमें भी वही मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगेगा आपका, क्योंकि एक सर्किल दे रखा है आपको। मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। सर्किल गिवन है हमें ये क्वेश्चन नंबर 7 में, ये एक सर्किल है, ठीक है। इसमें ये डायमीटर है और ये सेंटर है, वो ए बी डायमीटर है, और हमें एक एक कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम मान लो एक एक कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेते हैं, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1 और 4, और सेंटर के कोऑर्डिनेट यानी ओके कोऑर्डिनेट है 2 और 3, ठीक है। तो ये आप इसको ले लो x1 y1, ये आपका एक्स वाई है और ये x2 y2, ठीक है। तो अब x इजिकल टू क्या होता है, x1 + x2 / 2, क्योंकि मिड पॉइंट है। O क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, सेंटर है तो ये रेडियस है, ओ इक्वल ओ बी, तो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो एक्स इज इक्वल टू ये हो गया। अब एक्स क्या दे रखा है, 2, एक्स वन के तो एक्स वन ही है, प्लस एक्स टू क्या है 1 / 2, 2 × 4, x1 + 1, तो x1 इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। फिर ऐसे ही y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 + y2 / 2, y दे रखा है -3, y1 हमें फाइंड करना है, ये 4 / 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इज इक्वल टू y1 + 4, ये आएगा माइनस का हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू हो गया -10, यानी एक एक कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 3 और -10, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, समझाना क्या था, हो ही गया, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है वो भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है -2 और 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2 और -4, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जिसकी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, ए पी इजिकल टू हमें दे रखा है 3/7 AB, और हमें पी के कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। हम लेट कर लेते हैं कि लेट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, तो ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो गया, इसका मतलब ये x1 y1, ये x2 y2। अब हमारे पास रेशियो नहीं है तो हम रेशियो इससे निकालेंगे कि ए पी इज इक्वल टू हमें गिवन है 3/7 AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 AP इज इक्वल टू होता है 3 AB, और 7 AP इज इक्वल टू 3 AB, देखो 2 पार्ट्स है, AP + PB, इसको हम AP + PB लिख सकते हैं। अब 7 AP इज इक्वल टू 3 AP + 3 PB, AP को इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 7 AP - 4 AP इज इक्वल 3 AP = 3 PB, तो ये हो गया 4 AP इज इक्वल टू 3 PB, और AP / PB इज इक्वल टू 3/4, यानी AP / PB इज इक्वल टू आपके पास हो गया 3:4, यानी m1 / m2 इज इक्वल टू आपके पास है 3:4। अब आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, x निकालना है m1 है 3, x2 है 2, प्लस m2 4, और x1 है -2/3 + 4, यानी 6 - 8/7, तो -2/7, ये आपके पास x आ गया, ठीक है। अब y निकालिए, m1 3, y2 क्या है -4, m2 4, y1 क्या है 2/3 + 4, यानी -12 + 8/7,
यानी माइनस फोर अपॉन माइनस ट्वेल्व फोर, और ये भी माइनस का है आपके पास, तो माइनस टू यानी माइनस एट फिजिकल टू ये हो गया माइनस ट्वेंटी अपॉन सेवन। तो पी के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, एक आया आपके पास क्या माइनस टू अपॉन सेवन और एक आ गया माइनस ट्वेंटी अपॉन सेवन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर एट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है, फोर इक्वल पार्ट्स है, तो मैंने आपको बताया फोर पार्ट्स बना करके आपको इसको करना है। अब नाउ लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज हटा दी गई है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो आपके नहीं आएगी। अब इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिक्स, रोम्बस के वर्टिक्स दे रखे हैं, ये रोम्बस है आपके पास, ए बी सी और डी और ये डायगोनल, ठीक है, कंटिन्यू में दे रखे हैं, यानी ए के है 3 0, बी के है 4 5, सी के है माइनस 1 and 4 और डी के है माइनस 2 माइनस 1। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी हाफ इंटू एसी इंटू बीडी, यानी हमें एसी चाहिए और बीडी चाहिए, एसी और बीडी का मतलब हो गया डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसी की डिस्टेंस निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स वन वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू हो गया, कैसे भी ले सकते हो आप। तो रूट एक्स टू आपके पास माइनस वन है, माइनस एक्स वन है 3 का स्क्वायर प्लस वाई टू आपके पास 4 है माइनस 0 का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू आपके पास आ गया ये माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, ये 4 का स्क्वायर 16, यानी ए सी इक्वल टू रूट 32 यानी 16 into 2 यानी 4√2 यूनिट, ये आपकी ए सी की डिस्टेंस आ गई। अब नाउ बी डी की डिस्टेंस, वही रूट एक्स टू माइनस एक्स वन यानी माइनस 2 एंड माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी माइनस 1 और माइनस 5 का स्क्वायर, ये आपके पास हो गया माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये भी माइनस 6 36 यानी बी डी इक्वल टू आपके पास हो गया रूट 72 यानी 36 into 2 तो 6√2 यूनिट। अब आप निकालो एरिया, तो हाफ इंटू एसी कितना आया 4√2 और ये आया 6√2, तो हाफ इंटू 24√2 को रूट टू सी का जो 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी 24 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया हो। तो ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसका होमवर्क करके आपको सेंड करना है, जिन्होंने अब तक होमवर्क सेंड नहीं किया फिर कह रहा हूँ होमवर्क सेंड करें ताकि आपको मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाए, और जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम आप लाइव क्लास में पूछ लीजिए। थैंक यू।